दोस्तों मोहम्मद शमी यूं ही दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में नहीं गिने जाते। वे जब भी मैदान पर उतरते हैं अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हैं। अमरोहा का यह गेंदबाज आईपीएल 2020 में अपने लाजवाब प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहा है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सोमवार को जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरी तो इस गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए। उनके इसी प्रदर्शन से गदगद किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने कहा, मोहम्मद समीत तोड़ा जवाब नहीं। दोस्तों आईपीएल 2020 में सोमवार को प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब और शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में मुकाबला हुआ। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान साथ साथ कई फिल्में कर चुके हैं जिनमें वीर जारा भी शामिल है, इसलिए इस मुकाबले को वीर जारा का मुकाबला कहा गया। प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने मैच में टॉस जीता तो उनके गेंदबाज भी कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा के आउट होने से बड़ा झटका लगा। उन्हें ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिस गेल के हाथों शॉर्ट फाइन लेग पर कैच करवाया तो मैच का दूसरा ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए। उन्होंने पहली 3 गेंद पर सिर्फ 1 रन दिए। ओवर की 4थी गेंद का सामना करने के लिए राहुल त्रिपाठी आए तो शमी ने हाफ स्टंप के थोड़ी बाहर आउट स्विंगर डाली जिसका राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। जब तक बल्ला हटाते तब तक गेंद उसे चूम कर केएल राहुल के दस्ताने में समा गई। राहुल के आउट होने के 1 गेंद बाद ही दिनेश कार्तिक का सामना भी ऐसी ही गेंद से हुआ। वे डिफेंस करने गए लेकिन गेंद बल्ले का किनारा ले गई। यह स्पर्श इतना महीन था कि कार्तिक को समझ ही नहीं आया और उन्होंने अंपायर के आउट देने के निर्णय को चुनौती दे दी। कार्तिक भले ही गेंद बैट के संपर्क को नहीं समझ पाए थे लेकिन कैमरे ने गलती नहीं की, कार्तिक आउट करार दिए। दोस्तों मोहम्मद शमी ने इस मैच में 3 विकेट लिए और किंग्स इलेवन पंजाब ने शमी के इस शानदार गेंदबाजी पर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, कार्तिक आउट, इट्स हॉट विकेट, तड़ा जवाब नहीं मोहम्मद शमी। इसके बाद टीम ने एक और ट्वीट किया, सर झुका के कर सलाम, शमी है शानदार। दोस्तों मोहम्मद शमी आईपीएल 2020 में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 3 विकेट लेने के साथ ही अपने विकेटों की संख्या 20 तक पहुंचा दी है। टूर्नामेंट में सबसे अधिक 23 विकेट दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा ने लिए हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। दोस्तों शमी की शानदार प्रदर्शन और गेल की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब ने केकेआर को 8 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। इससे खुश होकर टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने शमी को गले लगा लिया।